अगर पीरियड्स मिस हो जाए तो सबसे पहले सभी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, फिर प्रेगनेंसी टेस्ट अगर नेगेटिव आ जाए तो समझ में नहीं आती है प्रेगनेंसी है या नहीं। इसकी बहुत सी रीज़न है, रीज़न जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना होगा। चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। फर्स्ट रीज़न, अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट। मिस पीरियड्स की तुरंत बाद आप अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट नेगेटिव शो होती है, क्योंकि शुरुआती समय में हमारे बॉडी में जो प्रेगनेंसी हार्मोन होती है उसका लेवल बहुत ही कम होती है। इसके वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट किट उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव शो होती है। रीज़न नंबर टू, अगर आप एक्सपायर किया हुआ टेस्ट किट यूज़ करते हो तब भी आपको नेगेटिव रिजल्ट शो होती है। जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट यूज़ करते हो तो उसका एक्सपायर डेट ज़रूर चेक कर लेना। रीज़न नंबर थ्री, प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए आपको सुबह के फर्स्ट यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आप अगर दोपहर को या शाम को आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो वो नेगेटिव रिजल्ट शो करती है। रीज़न नंबर फोर, प्रेगनेंसी टेस्ट किट में यूरिन सैंपल डालने के बाद महिलाएं टेस्ट किट को रख देते हैं और बाद में उसे उठा के देखती है तो उसमें एक ही लाइन नज़र आती है। ऐसा नहीं करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट हमारे एसएजी हार्मोन, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, उसे डिटेक्ट करती है। अगर आप टेस्ट किट को बहुत देर तक रख देते हो तो उसमें एसीजी हार्मोन की रिएक्शन ख़त्म हो जाती है, इसीलिए हमें एक लाइन शो होती है। टेस्ट किट में सैंपल डालने के 2 से 3 मिनट तक वेट करना, फिर उसे चेक करना, आपको सही रिजल्ट शो होगी। रीज़न नंबर फाइव, अगर आप ट्विंस बेबी कंसीव करते हो या 2 से ज़्यादा बेबी कंसीव करते हो तब भी आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट शो होती है, क्योंकि ट्विंस बेबी या उससे ज़्यादा बेबी कंसीव करने पर आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी हार्मोन होती है उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट डिटेक्ट नहीं कर पाती है, इसीलिए टेस्ट किट में एक ही लाइन शो होती है। अगर आपकी पीरियड्स मिस हो गई है और 10 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर भी आपको टेस्ट किट में नेगेटिव शो हो रही है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके अपने चेकअप करवा लीजिएगा, क्योंकि ये कोई बीमारी का लक्षण भी हो सकती है। अपना ख्याल रखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे ऐसे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लेके। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।